नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुड्डू मोरा सर मित्र पर। और आज का रेस्क्यू कॉल हमें जौनपुर जिले के बजरंग नगर से आम लोग मौके पर आ चुके हैं। ये रेस्क्यू करने के लिए हम लोग अपने घर से 25 किलोमीटर की दूरी पर आए हुए हैं। हमें जब भी जहाँ से कोई रेस्क्यू कॉल आता है, अगर पॉसिबल होता है, हम लोग जरूर पहुँचते हैं। और हमारी ये सेवा बिल्कुल ही निःशुल्क है, हम लोग इसका कोई भी शुल्क, कोई भी पैसा नहीं लेते हैं। ऐसा करिए, पटरा एक तरफ से निकलवाइए फटाफट। इतने सारे लकड़ी के पटरों में सांप को ढूंढ पाना एक मुश्किल टास्क हो जा रहा है, तो हम लोग सबसे पहले एक एक करके सभी पटरों को बाहर निकाल लेंगे, तब हमें ये काम करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। सिर्फ दो पटक छुपा सकता है ना, दो पटक पहले के हटा दो। आवाज मत करिए आप लोग सामने, शांति जिस तरह से हम सांपों को ट्रीट करते हैं, सांपों को अपने हाथों में लेकर के पैक करते हैं और ऐसे उन्हें पकड़ते हैं, ये देख करके आप लोग इसे कॉपी करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसा करते हैं तो हमारे पास सांपों से जुड़ा पूरा प्रशिक्षण होता है, सांपों के बारे में पूरी जानकारी होती है, उसके बाद काफ़ी सालों का अनुभव भी होता है, तब जा कर के हम लोग सांपों को ऐसे ट्रीट कर पाते हैं। अतः आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर इस रेस्क्यू को देख रहे हैं, वो कभी भी इस कार्य को दोहराने की कोशिश मत करिएगा। सांपों को बिना प्रशिक्षण के ऐसे पकड़ने की गलती तो बिल्कुल ही मत करिएगा, क्योंकि यदि आप बिना जानकारी और प्रशिक्षण के सांपों को छेड़ेंगे या फिर उनके पास जाएंगे तो बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। जैसा कि आप लोगों ने अभी भी देखा कि पीछे खड़े ये शख्स हमारे इतना समझाने के बाद भी इन्होंने सांप को छूने की कोशिश की, खैर ये उसे छू नहीं पाए, तो हम लोग बार बार समझाते हैं आप लोग इसको मत छूइए, ये मजाक नहीं है, ये आसान नहीं है, इसके लिए पूरा प्रशिक्षण लेना पड़ता है, तब जा करके हम लोग सांपों को ऐसे ट्रीट कर पाते हैं। चलिए आगे भाई, देख लिए, चलिए कुछ बंद कर देखा, ये आइडिया लेकिन है तो बहुत गजब।
अब हम लोग इसको बैग में पैक कर लेंगे और बैग में पैक करने से पहले मैं इसके बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को दे देना चाहता हूँ। इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा यानी कि नाग इसी को कहते हैं। इसका एक नाम फिटार भी होता है, गेवन भी इसी को कहा जाता है और कई जगह पे खरीज भी इसी को कहा जाता है। इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिस वेनम पाया जाता है। अगर ये किसी भी इंसान या फिर जीव को बाइट कर ले तो उसका नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है और यदि उस इंसान या फिर जीव को उचित ट्रीटमेंट न दिया जाए, एंटीवेनम न दिया जाए, तो उसकी मौत भी हो जाती है। कई बार ये सांप बहुत आसानी से बैग के अंदर चले जाते हैं, कई बार थोड़ा समय लेते हैं। हम लोग इनके साथ बिल्कुल भी जोर ज़बरदस्ती नहीं करते क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ये बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के खुद अपनी मर्जी से बैग के अंदर चला जाए। उसके बाद हम लोग इसको पैक कर लें और इसके अनुकूलित वातावरण में ले जा करके रिलीज कर दें और ज़्यादातर हाथ लगाना भी नहीं पड़ता है, ये खुद ब खुद बैग के अंदर चला जाता है और हम लोग ले जा करके इसको जंगल में रिलीज कर देते हैं। वैसे आज ये अपेक्षाकृत थोड़ा ज़्यादा समय ले रहा है लेकिन कोई बात नहीं है, ये जब तक बैग के अंदर नहीं जाता हम लोग तब तक प्रयास करेंगे। जब तक से मतलब यह है कि एक समय होता है, निर्धारित समय हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ है कि अगर ये चला जाता है ठीक है, नहीं तो अगर काफ़ी ज़्यादा समय लेने लगता है तो हम लोग को इसका फन पकड़ करके या फिर इसको पकड़ करके हाथ से बैग के अंदर डालना पड़ता है। लेकिन ये सबसे आखिरी विकल्प रहता है, जब तक संभव हो पाता है हम लोग कोशिश करते हैं कि ये खुद से बैग के अंदर जाए जिससे कि इसे थोड़ी भी तकलीफ़ का सामना न करना पड़े। अन्यथा कोई भी किसी भी जीव का जब सिर पकड़ा जाएगा तो उसे एक अलग तरह के डर का एहसास होता होगा, एक अलग तरह का डर लगता होगा जब भी किसी का गर्दन या सिर पकड़ा जाता होगा। तो हम लोग नहीं चाहते कि इसको किसी भी तरह की के डर की अनुभूति हो और ये घबराए और डरे। हम लोग चाहते हैं कि ये नेचुरल ढंग से मतलब स्वयं से बैग के अंदर जाए और हम लोग इसको अच्छे ढंग से पैक करें और ले जाकर के जंगल में रिलीज करें। तो काफ़ी मशक्क़त के बाद ये बैग के अंदर चला गया। मतलब मशक्क़त से ये तात्पर्य है कि बहुत ज़्यादा मेहनत तो नहीं करना पड़ा हमें, लेकिन हाँ इसने थोड़ा समय लिया और अंततः ये बैग के अंदर चला गया। अब हम लोगों ने इसको बैग के अंदर पैक भी कर लिया है, अब हम लोग ले जा कर के इसको जंगल में रिलीज कर देंगे। ले ली तो पुटिया सब कर पुटिया ले लेते भैया, चिंता मत करो। ये कौन सा सांप है? नाग, नाग। और यहाँ पर हम लोग सांप को रिलीज करने के लिए आ चुके हैं और आप लोगों ने देखा है अपने अनुकूलित वातावरण में चला गया। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।